तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में खुशबू बॉस। पूरे एक महीने से आप अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो आरोही के सामने। हाउ डू यू मैनेज? इट इज क्वाइट शॉकिंग। तू नहीं समझेगा बेटा। वन मोर शॉक आंटी जी, बज गई तेरी घंटी। क्या तेरी मैरिज प्रॉब्लम यहां तक आ गई? पर अबे तू लकी है, कोई तो है तेरी शादी के बारे में सोचने वाला। मुझे देख, मेरे आगे पीछे कोई नहीं यार। मैं तो कहता हूँ तू अपने हाथ पीले करी ले। सर आप यही एक रास्ता है जहाँ से मैं कभी नहीं गुजरना चाहता है। और वैसे भी मेरी मॉम भी नहीं है यहाँ, समझा तू? आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली सर, आई डू। पर मेरी मॉम तो यहाँ आ गई है ना, मुझे तो जाना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। ऑफकोर्स जा मैनेज कर। गो। अर्जुन कैसा है पार्टनर? ठीक हूँ। और हमारी एक महीने की पार्टनरशिप भी? हाँ वो तो होगी, तूने गोली जो चलाई थी आरोही पे। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वैसे पिछले एक महीने में आई नो एक महीने में तुम दोनों काफी करीब आ गए एक दूसरे के। ये तेरी जलन है या नफरत? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। Remember, गोली चलाई थी उस पे या मुझ पे? छोड़ना यार। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। वैसे प्लान क्या है तुम्हारा? एक थप्पड़ का बदला कब तक लूं? अरे ये मैं अपनी थप्पड़ का नहीं तेरे थप्पड़ का बदला ले रहा हूँ। अरे उसने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया यार, कितनी इंसल्ट की तेरी। अब देख मैं कैसे दुश्मन से बदला लूंगा दोस्ती का हाथ बढ़ा के। मॉम मुझे शादी नहीं करनी। अब ये सब बातें आप लेके ऑफिस भी आने लगी। एक बात नहीं सुनूंगी तेरी। अगर तू सोच रहा है मीडिया की कोई लड़की घर ले आएगा तो भूल जा। बट मॉम और कोई लड़की मेरे लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं करेगी। कपड़ों में एडजस्ट नहीं कर पाती, लाइफ में कैसे करेंगी? मेरा रुमाल भी उनके कपड़ों से बड़ा है। ठीक है माँ, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर तू ऐसे नहीं सुनेगा ना, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी मॉम ना हाथ धो के पीछे पड़ी मेरी शादी कराने को, अभी ऑफिस भी आ गई थी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, सारी मॉम्स ऐसी ही होती है। एंड एक्चुअली इट्स वेरी स्वीट। अच्छा करण सर कहाँ है? करण सर वो वहां बेचारे। यहाँ पर मेरी माँ मेरी शादी की बात करती करती थकती नहीं और मैं टालता रहता हूँ। और वहां वो बेचारे, उनकी मॉम भी यहाँ नहीं है जो उनके लिए सोचे। आई फील बैड फॉर हर। मैं भी आई। हे आरोही, तुम्हारी रिहर्सल्स कैसे चल रही है?
कुछ सर। सर एक्चुअली मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, बट कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ऑफ कोर्स। यहाँ बहुत शोर है, आदमी लेट्स गो देयर। आप बोलो। सर, मैंने आपको हमेशा करियर के बारे में बात करते हुए तो सुना है, पर आप कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचते। तो अभय ने अपना काम कर ही दिया, आखिर झेला किसका है? प्लीज डोंट माइंड सर, आई मीन आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में भी कोई आ जाएगा। कोई आके चला भी गया, इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी, फिर किसी दिन बताऊंगा। एनीवे, शादी के लिए लड़की चाहिए, और फिर पता नहीं जिस लड़की को मैं पसंद करूं उसे मैं पसंद आऊं या ना आऊं, या जिस लड़की को मैं पसंद आ जाऊं मुझे वो लड़की पसंद आए या ना आए। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे अपने दिल की बात कह के तो देखिए। Not yet. Well, it's your life, sir. मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे I'll go for my rehearsals. दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी लड़कियों को फंसाने का सबसे आसान तरीका है शादी की बात। शादी का दाना डालते ही लड़का कितना जेन्युइन लगने लगता है। I'm liking it। और एक दिन दरवाजे पे हुई एक दस्तक ने पल भर में हम सबकी जिंदगी बदल दी थी। उस दिन जो इंसान आया वो आरोही की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। उस दिन जब डोरबेल बजी तो सुर, देख दरवाजे पे कौन है। हाँ दी, आई। मी तो बुआ, आप कैसी हो बुआ? हाय बुआ, आप अचानक। मी तो बुआ। बुआ, ओए पूरे पता तू थे। जींदी रहे, जींदी रहे। बस बुआ, आरोही और सुर को मिलने आए। और वो चंगा काम करते बेटा। पूर्वी दी यहाँ है, अब आप भी यहाँ आ गए। अगर अंतरा और बाबा भी आ जाते तो ऐसा लगता कि हम शिमला में हैं। ओए सच्ची कह रही तू। चलिए बुआ आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। बढ़िया लाना, और बहुत भूख लग रही है मैंने। ओके आओ दी। और बताइए बुआ। हाँ। ओ पुत्र, बम्बई के लिहाज से घर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ बुआ, यहाँ पे हमारा किचन है। हाँ? ये हमारा बाथरूम। हाँ? ये हमारा कमरा है, और ये कमरा कमरा तो अर्जुन का है। अगर बुआ को पता चल गया कि हमारे साथ इस घर में एक लड़का भी रहता है तो हमारे बैग्स के साथ आरोही दी के सपने भी पैक होकर शिमला पहुँच जाएंगे। जल्दी से बोलना पड़ेगा आरोही दी को कि वो कुछ करे, वरना हम तो गए। ओए पुत्र, क्या सोच रही तू? किसका वो कमरा? बुआ वो कमरा तो बस एक्चुअली बुआ आपकी हरिद्वार की यात्रा कैसी रही? ओए बहुत बढ़िया रही, और मैं तो शिरडी भी हो गई दर्शन करके आई। हुआ ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलिए बैठते हैं। जल्दी से बोलना पड़ेगा आरोही को कि वो कुछ करे। पुत्र इस बार मैं जरूरी काम से आई। मैंने ना आरोही के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। बुआ आप, मुझे नहीं लगता आप आरोही अभी शादी करेगी। ओए क्यों नहीं करेगी? तू बड़ी बहन किस लिए? तू समझा, अब मैं भी समझा दूंगी।
उधर बहुत थक गई हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ। कौन से कमरे में जाओ? कमरा बुआ, वो मैं अभी आरोही से पूछ कर आती हूँ। दी, आरोही दी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? दी, अगर बुआ को पता चल गया कि हमारे साथ इस फ्लैट में एक लड़का भी रहता है तो वो जाकर बाबा को बता देंगी और फिर आप और मैं अगली ट्रेन से सीधा शिमला। ओह नो, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरी दी तो समझ गई, पर बुआ को हैंडल कैसे करेंगे? दी, पहले जल्दी से बाहर चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। का शर्ट हुआ ये? वो अर्जुन, अर्जुन से क्या कर रहा है? हुआ मैं आपको सब बताती हूँ। शादी? शादी नहीं बुआ। चुप कर, मैंने झुका उस बात पर सोच। नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हूं बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बंबई आने के बाद तुम बच्चों को इतना संघर्ष करना पड़ा है। एक तो बिन माँ की बच्ची हो तुम और तुम्हारे बाबा भी तुमसे इतने दूर है। जब मुन्ना को पता चलेगा ना तो वो तो टूट ही जाएगा। बुआ, मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगी, प्लीज बुआ। मैं पूर्वी से बात कर चुकी हूँ बेटा। देखो, तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही बेटे। एक तो तुम लड़कियां बम्बई में अकेली रह रही हो, वो भी लड़के के साथ। देख पुत्र, मैं तुम्हारी बुआ हूँ तो तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन कोई बुआ, हम इस फ्लैट से शिफ्ट हो जाएंगे, पर आप जो कह रही हैं वो नहीं हो सकता। नहीं, शादी? शादी नहीं बुआ। चुप कर, मैंने झुका उस बात पर सोच। सोच लिया बुआ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जरा सोच पुत्र, जब मुन्ना को ये बात पता चलेगी कि तुम लड़कियां बम्बई में इस तरह रह रही हो तो पता है क्या होगा? वही गाना बजाना तो शादी के बाद भी चल सकता है, हाँ? और पता है, ये जो लड़का है ना, इसी मीडिया से है, हाँ? और मुंबई का रहने वाला है,
आपका अपना मकान भी है। पर मुझे शादी नहीं करनी बुआ। देख पुत्र, तेरे बाबा भी ये चाहते हैं कि तेरा रिश्ता हो जाए। अरे केरियर बनाने को कौन मना कर रहा है? बड़ी बात ये कि रिश्ता आगे से चल कर क्या है। और फोटो तो देख ले, तुझे स्टूडियो में देख चुके हैं वो लोग। मेरे स्टूडियो में? बुआ उसने कहा और आपने मान लिया। ले अपनी बहन को दे फोटो। पर मुझे कोई फोटो नहीं दिखनी है, मैं शादी नहीं करूंगी। ओए सारी लड़कियां ये कहती है शादी नहीं करनी। ओए मैं भी जैसे बोलती थी ना। पर क्या हुआ? अच्छा देख मिल ले एक बार, अच्छा लड़का है, शायद पसंद आ जाए तुझे। हाँ ले देर से दे। ओए देख ले पुत्र। नहीं बुआ। ओए देख तो ले। आप कह रही है तो मैं देख लेती हूँ, पर मैं सिर्फ देखूंगी। आज के बाद तुम इस लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रहोगी, समझी? पुत्र बुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Are you sure यही लड़का है? हाँ हाँ इसकी माँ ने फोटो भेजी है, मेरी फोन पे बात हुई उससे। बुआ आप जानती हैं ये कौन है? ये मेरे बॉस, ये करण सिंह है। ओहो बॉस है तो क्या हुआ, है तो आदमी ही ना। बुआ ये कोई छोटा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, इसे क्या जरूरत है मैट्रिमोनी में ऐड देने की? ओए पुत्र आदमी छोटा हो या बड़ा, हर एक को पार्टनर की जरूरत होती है। और पता है इसकी माँ भी यही चाहती है, अच्छी सी खानदानी लड़की मिल जाए कोई बब्बे की। बुआ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुन, तुम सब एक छत के नीचे रह रहे हो पराए लड़के के साथ, हमारा समाज ना आज भी इसे ठीक नहीं मानता है। अरे मैं शहर से बाहर गई थी तो क्या हुआ, मुझे फोन कर दिया होता मैं कोई ना कोई इंतजाम करा दी तुम लोगों के लिए। लेकिन बुआ देख बेटा, मैंने तेरे बाबा को तुम्हारी शादी के लिए परेशान होते देखा है। देख पुत्र उसने लाखों रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ, तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं उसने, और मैं अपने जीते जी संस्कार खत्म नहीं होने दूंगी, समझी? देख ये बहुत अच्छा लड़का है, हाँ अपना घर बसा ले पुत्र, उसके माँ बाप आके मिले इससे पहले जाके मिल ले तुझसे और बात कर ले, उन्हें भी ना एक अच्छी खानदानी लड़की चाहिए। और हाँ दूसरी बात, आज के बाद तुम इस लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रहोगी, समझी? फिक्र मत करो आरोही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ती आप टेंशन मत लो, अर्जुन को आने दो, मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ से चला जाए। तू अर्जुन से कोई रिक्वेस्ट नहीं करे, उससे हम कोई हेल्प नहीं लेंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता वो खड़ूस हमारी कोई हेल्प भी करेगा, पूरे 2 लाख रुपए डिपॉजिट दिए हैं उसने इस घर के लिए, आई डोंट थिंक वो इतनी आसानी से यहाँ से चला जाएगा।
पर हमें तो इस घर से जाना पड़ेगा ना। अब बुआ हमें यहाँ नहीं रहने देगी, पर हम जाएं कहाँ? हेलो, व्हाट्स अप बड़ी, क्या बात कर रहे हैं? पार्टी संडे को, और तू चाहता है मैं तेरे बंगलों में आके? नॉट अ बैड आइडिया, वैसे भी तू जानता है मैं यहाँ कितना बोर होता हूँ। सैड, आई सी यू योर प्लेस। दी, आज अगर गॉड से कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। देखो चला गया हमारे फ्लैट से। काश मैंने भगवान से दुआ मांगी होती, ये इंसान मेरी जिंदगी में आता ही नहीं, तो जिंदगी कितनी अलग होती आज।